देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग दीनी तालीम से बच्चों को काटने के लिए एक नारा पेश करते हैं। कहते हैं कि दीनी जी तालीम और दुनियावी तालीम में फर्क ही नहीं करना चाहिए। तो ये बोल करना, कहते हैं कि बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो भी आलिम है। अब ये आप फर्क मत करो। तो ये जो अदमे तफरीक वाला नारा है ना कि दीनी तालीम और असरी तालीम में फर्क ही नहीं है, इस फर्क का रिजल्ट और नतीजा सामने आता है कि एक शख्स अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, कॉलेज में पढ़ा रहा है, स्कूल में, तो समझता है कि हमारा बच्चा भी आलिम है, हमारे बच्चे के पास भी इल्म है, अब उसे कुछ और पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हालांकि सही बात यह है कि दीनी तालीम और असरी तालीम, दुनियावी तालीम में जमीन आसमान का फर्क है। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में बहुत फर्क है। हम देखिए, दुनियावी तालीम या असरी तालीम के मुखालिफ नहीं है। हम तो हौसला अफजाई करते हैं कि अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे पढ़ना चाहिए और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस रास्ते से भी दीन की खिदमत करें। लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए जितना आपको इस्लाम की तालीमात पर अमल करने के लिए जितना जानने की जरूरत है, कम से कम उतना जानना आपके लिए फर्ज है। उतना दीनी इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है जितना उसको जरूरी है एक मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारने के लिए। उसके बगैर चारे कार नहीं। आप चाहे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, जो बनना है बनिए, लेकिन दीन के बुनियादी मालूमात है वो आपके पास होनी चाहिए, वो जरूरी है। तो जो लोग बिल्कुल फर्क ही मिटा देते हैं ना, वो समझते हैं कि अब वो दुनियावी तालीम है तो वो भी आलिम है, अब ये दीनी दुनिया फर्क कहाँ से आ गया, चाहे ये पढ़ो चाहे वो पढ़ो, सब इल्म है। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। मैं इसको थोड़ा सा वाजे करूंगा, मतलब कई एतबार से, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में बड़ा फर्क है। अच्छा, वो क्या क्या फर्क है ये देख लेते हैं। सबसे पहला फर्क तो ये है कि दीनी तालीम हर मुसलमान पर फर्ज है, फर्ज ऐन है। एक बड़ी मशहूर हदीस है, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने सहीहुल जामे में से ही करार दिया है, बहुत सारे उसके तुरुक हैं। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो इल्म हासिल करे। कौन सा इल्म? दीनी इल्म। मुसलमान मर्द हो या औरत हो, तो दीनी इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हम ये नहीं कहते कि दीन के मामले में अल्लामा बनना फर्ज है। भाई, जितना उसको नमाज रोजा सीखने के लिए जरूरत है ना, उतना जानना उसके लिए फर्ज है, कंपलसरी है, जरूरी है। लेकिन दुनियावी तालीम फर्ज नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि दुनियावी तालीम जो दुनिया से दुनियावी उमूर है, जैसे कोई मेडिकल की तालीम है, वकालत की तालीम है, या और कोई दूसरी तालीम है, साइंस की तालीम है वगैरह वगैरह, ये चीजें हम ये नहीं कह सकते कि फर्ज है। तो ये पहला फर्क है कि दीनी इल्म हासिल करना फर्ज ऐन है, जबकि दुनियावी इल्म हासिल करना फर्ज नहीं है। अगर ये दोनों में फर्क नहीं होता ना, तो हम कहते हैं कि दोनों फर्ज है या दोनों फर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दीनी इल्म हासिल करना फर्ज है और दुनियावी इल्म हासिल करना फर्ज नहीं है। दूसरी बात ये, दूसरा फर्क ये है कि दीनी इल्म आप जो कुछ हासिल करेंगे उस पे अमल करना भी आपके लिए जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आपने सीख लिया नमाज की बातें, रोजा की बातें, इबादत की बातें, नेकियों की बातें, जो आपने सीख लिया, तो जो कुछ आपके पास इल्म है, दीन का इल्म है, उस पे अमल करना ये आपकी जिम्मेदारी है, अमल करना जरूरी है। वो बड़ी मशहूर है जिसे सुनन तिरमिजी वगैरह की, क़यामत के जो सवालात होंगे उसमें में से एक सवाल ये भी होगा कि मादा अमिला फी मा अलीमा, कि जिंदगी में जितना सीखा था उस पे कितना अमल किया। तो दीन के बारे में आदमी जो कुछ सीखेगा वो पाबंद है कि उस पर अमल भी करे, लेकिन दुनिया की जो तालीम हासिल करेगा क्या उस पर अमल करना जरूरी है? मिसाल के तौर पर एक आदमी डॉक्टर बन गया दुनियावी एतबार से, तो क्या अब जरूरी है कि सबका उसके मुताबिक अमल करे, यानी वो लोगों का इलाज करे? क्या वो दूसरी मैदान में नहीं शिफ्ट हो सकता? आज कितने सारे हैं लोग आप देखते हैं कि डॉक्टर हैं तालीम के एतबार से, लेकिन पेशा भी कुछ और है, वो तजारत बन चुके हैं, बल्कि बास तो दाई बन चुके हैं। बाज डॉक्टर हैं जो ताजिर बन चुके हैं, बाज डॉक्टर हैं जो दाई बन चुके हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो सीखा उन्होंने मेडिकल तालीम, लेकिन उस पर अमल नहीं, प्रैक्टिस में नहीं है। तो ये दुनियावी मामला में चल जाएगा, लेकिन दीनी मामला में नहीं चलेगा। क्या आपने नमाज सीखा हो, कि हम नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे? आपने रोजा सीखा, अब इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे? आपने जो है जकात का मसला सीख लिया, आप कहेंगे इस पर अमल नहीं करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आप दीन का जो भी मसला सीखेंगे उस पर अमल करना जरूरी है, लेकिन दुनिया सीखेंगे उस पर अमल करना जरूरी नहीं। ये भी एक फर्क है दीनी तालीम में और दुनियावी तालीम में। एक तीसरा फर्क है एक मेरे भाइयों की, दीनी तालीम जो कुछ आपने सीखा ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे आगे फॉरवर्ड करें, आगे लोगों को पहुंचाएं, आगे बताएं, बल्लिगु अन्नी वलो आया,
और अल्लाह के रसूल की हदीस नज़र समय मिन हदीस, कि अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा रखे जो हमसे कोई हदीस सुने, फिर उसको याद करे, फिर उसको आगे पहुंचाए, आगे फॉरवर्ड करे। तो दीन के बारे में जो कुछ आप सीखेंगे, आपको दीन ये पाबंद करता है कि आप उसे आगे पहुंचाएं, आगे उसे लोगों को सिखाएं, दूसरों तक पहुंचाएं। लेकिन दुनियावी तालीम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कुछ सीख लिया, आपने जो है मेडिकल की तालीम हासिल की, अब दूसरों को सिखाना ज़रूरी, ऐसा नहीं है। आप वो ना सिखाएं कोई और काम करें चल जाएगा। आपने इंजीनियरिंग सीखी है, अब उस फील्ड में आप काम ना करें वो छोड़ के कुछ और करें चल जाएगा। लेकिन दीन के मामले में नहीं चलेगा, आपने जो सीखा है आपको उसको आगे सिखाना भी वो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये तीसरा फर्क है मेरे भाई। चौथा फर्क है दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में, कि कुरान और हदीस में जो फजाइल है ना, कुरान और हदीस में जो फजीलत है तलबे इल्म की, उलमा की, वो सारी फजीलत दीनी इल्म वालों की है, दुनियावी इल्म वालों की नहीं है। दुनियावी इल्म की भी अहमियत तो उससे हमें इनकार नहीं है, लेकिन जो फजीलतें बयान होती है कुरान में या हदीस में, मिसाल के तौर पर एक रवायत है सुनन तिर्मिजी की, अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो लोगों का जिक्र हुआ, दो लोगों का जिक्र हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अब दोनों में से दोनों का मामला क्या था, देखिए हदीस के अल्फाज हैं कि ज़ुकिरा ले रसूलिल्लाहि सल्लम रजुलान, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो लोगों का जिक्र हुआ, अहदुहुमा आबिदुन वल आखरु आलिमुन, उनमें से एक इबादत करने वाला था और दूसरा आलिम था, एक इबादत करने वाला था दूसरा आलिम था। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजलुल आलिम अलल आबिदि का फदली अला अदनाकुम, तो कहा कि आलिम का इबादत करने वाले पे आलिम की फजलत ऐसी है जैसे मेरी फजलत तुम में से किसी छोटे शख्स पर है। तो इस हदीस में जो जिक्र हुआ ना कि एक आलिम है और दूसरा इबादत करने वाला है, दूसरा इबादत करने वाला है, तो देखिए आलिम के मुकाबले में आबिद को पेश किया गया। हालांकि जो इबादत करने वाला हो सकता है दुनिया के किसी मामले में एक्सपर्ट हो सकता है तजारत के मामले में बड़ा माहिर हो सकता है वो ज़रात के मामले में माहिर हो, खेती बाड़ी में माहिर हो सकता है वो ज़बान व अदब का महारत रखता हो, लेकिन इस हदीस में जो जिस सियाक में जिक्र हुआ है आलिम और आबिद का, तो यहाँ आबिद बड़े से बड़े मतलब बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, लेकिन जब दीनी आलिम के से उसको कंपेयर करेंगे तो वो आलिम नहीं कहलाएगा, वो आलिम नहीं होगा। दुनियावी उलूम में कितना ही महारत हासिल कर ले, लेकिन शरई इस्तलाह में वो आलिम नहीं होगा। बल्कि आप देखें, अगर कुछ लोग चौंक रहे हैं इस बात पे तो मैं वजाहत कर दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो दौर गुजरा है अरब का, उस दौर को कहते हैं दौरे जाहिलियत, दौरे जाहिलियत। तो क्या उस दौर में, दौरे जाहिलियत क्यों बोलते हैं उन लोगों को, और उन लोगों को जाहिल बोलते हैं, उस दौर के जो लोग थे उनको जाहिल बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह यह है कि उनके यहाँ दीन का इल्म नहीं था, बाकी दुनियावी उलूम में उनके यहाँ महारत थी। तो उसमें कितने लोग थे जो तजारत में महारत रखते थे, उसमें कितने लोग थे जो लड़ाइयों में महारत रखते थे, हद तक कि एक बहुत बड़ी महारत जो उनकी थी ज़बान व अदब पे थी, उनकी जो जबान थी अरबी जबान, उस जबान पर उनको इतनी महारत थी कि उनको गुरूर हो गया था। वो अपने आप को बोलते अरब कि हम ही बोलना जानते हैं, और जो अरबी नहीं जानते थे ना उनको कहते थे आज भी गूंगा, इसको बोलना ही नहीं आता, यानी अजब मतलब गूंगा जिसको बोलना नहीं आता। इतना गुरूर था उन्हें अपनी जबानदानी पे, जबान व अदब की महारत पे, कि वो दूसरों को बोलते थे कि ये गूंगा इसको बोलना नहीं आता, बोलना तो हमको आता है, यानी जो अरबी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो कुरान मुजज़ा नाजिल किया वो अरबी जबान में नाजिल किया, उनको हैरान करके रख दिया उससे, यानी ऐसी जबान व अदब है, ऐसी ताबीर है, ऐसी बलागत और फसाहत है कुरान में, कि वो जो जबान व अदब का माहिर मुआशरा था वो मुकाबला नहीं कर सका उसका। तो इतनी बड़ी महारत थी उनको जबान व अदब पे, इतनी बड़ी महारत थी। तो खासतौर से उस दौर के जो शोरा थे, शोरा कितने माहिर थे जबान व अदब के, लेकिन उन शोरा को तारीख में कहा जाता है जाहिली शोरा, कहा जाता है जाहिली शोरा। आप सोचें कि इतने बड़े बड़े माहिरीन को जाहिल कहा जा रहा है, इस बुनियाद पर जाहिल कहा जा रहा है क्योंकि दीन का इल्म उनके पास नहीं था, दीन का इल्म उनके पास नहीं था। तो शरई इस्तलाह में आलिम कहते हैं जो दीन को जानने वाला हो, और अगर दुनियावी मामलात में कोई कितना बड़ा इल्म है, साइंटिस्ट है, कुछ भी है, लेकिन शरीयत की इस्तलाह में उसे आलिम नहीं कहेंगे। तो ये जो हदीस आपके सामने मैंने पेश की है, ये जो सुनन तिर्मिजी की हदीस है, तो इसमें जो आलिम को कंपेयर किया गया है आबिद से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि आलिम की फजलत एक आबिद के मुकाबले में ऐसे जैसे मेरी फजलत, नबी अपने बारे में कह रहे जैसे मेरी फजलत तुम में से सबसे छोटे शख्स के मुकाबले में। यानी आप सोचें कि एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दूसरी तरफ आपके उस जमाने का सबसे छोटा शख्स है मुसलमानों का,
तो दोनों में कितना फर्क है, कितना फासला कितना ज्यादा है, दोनों में कितनी दूरी है, कितना फर्क, कितना ऊंच नीचे, कि एक तरफ इमामुल अंबिया और एक तरफ उस दौर का सबसे छोटा आदमी मुसलमान, कितना बीच में कितना फर्क है। नबी फरमाते हैं यही फर्क है एक आलिम और एक आबिद में। किस आबिद में? उस आबिद में जो साइंटिस्ट भी हो सकता है, उस आबिद में जो डॉक्टर भी हो सकता है, उस आबिद में जो इंजीनियर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आबिद इबादत कर रहा है, इबादत गुजार रहा है, दीन पे अमल कर रहा है, लेकिन दीन का आलिम नहीं है। दुनिया के उलूम का कितना बड़ा माहिर हो, लेकिन एक आलिम की फजलत उससे बढ़कर रही। तो ये जो हदीस है, इस हदीस में भी आप देख सकते हैं कि बाकायदा फर्क बहुत वाजह है दीनी इल्म का और दुनियावी इल्म का, बहुत ही फर्क वाजह है। बल्कि एक और हदीस है सही मुस्लिम वगैरह में, आपने सुनी होगी, बड़ी मशहूर हदीस है कि सहाबा खजूर की पैदावार में ताबीर करते थे। तो एक तरीका था उनका, नर व मादा को मिला के ऐसा कुछ एक तरीका अख्तियार करते थे, पैदावार ज्यादा होती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो सिस्टम था, जो निज़ाम था उनका, जो तरीका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर एतराज़ किया, क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक थी वो जाहिर नहीं थी, नुमाया नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि ऐसा मत करो, तो सहाबे किराम ने छोड़ दिया उसको। लेकिन उसके बाद पैदावार पे फर्क पड़ा, नुकसान हो गया। तो सहाबा ने शिकायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी बात पर अमल करते हुए करना छोड़ दिया तो नुकसान हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अंतुम अअलमु बिउमूरी दुनियाकुम, कि दुनियावी मामलात में तुम ज्यादा जानते हो। तो आप देखें, एक तरफ अल्लाह के नबी ने कहा कि आलिम की फजीलत आबिद पे ज्यादा, और यहां कह रहे हैं कि दुनियावी मामलात में ज्यादा जानते हो। ये नहीं कि मतलब नहीं था कि तुम बहुत बड़े आलिम हो, वहां दुनिया जो अल्लाह है अंतुम अअलमु बिउमूरी दुनियाकुम, यानी तुम्हारे पास दुनियावी इल्म ज्यादा है और नबी के पास शरई इल्म है, दीन का इल्म है। तो ये हदीस भी बहुत वाज़ह तौर पे फर्क करती है दीनी इल्म का और दुनियावी इल्म का। इसलिए मेरे भाई, ये कहना कि दीनी इल्म में और दुनियावी इल्म में फर्क नहीं है, ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, एक और चीज है, वईदे भी कुरान हदीस में बहुत है कि एक आलिम अगर इल्म पे अमल नहीं करेगा, और हदीस में भी है कि कोई किसी के पास इल्म है उस पर वो अमल नहीं करेगा, तो उसके लिए वईदे, बड़ी मशहूर हदीस है ना सही बुखारी सही मुस्लिम वगैरह कि क्यामत के दिन तीन लोगों को लाया जाएगा, तो उसमें एक मालदार होगा, एक जो है मुजाहिद होगा, और एक कारी कुरान आलिम होगा। अल्लाह ताला कहेगा कि तुझको नेमत दी थी इल्म की, क्या किया उसने? तो कहेगा हमने कुरान पढ़ा, पढ़ाया, ये सब किया। तो उसे कहा जाएगा तू झूठ बोलता है, तूने ये सब इसलिए किया ताकि लोग तेरी तारीफ करें। तो उसको उठा के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो जब ये हदीस, वईद वाली हदीस पेश करनी होती है ना, तो दुनिया भर के लोग कहते हैं इससे मुराद आलिम है, ये मौलवी है, मदरसे पढ़ा हुआ। ये नहीं कहते इससे डॉक्टर भी मुराद है, इससे इंजीनियर भी मुराद है। तो जब बात आती है जहन्नम में ढकेलने की, तो वहां दीनी तालीम दुनियावी तालीम में फर्क हो जाता है कि नहीं, इससे मुराद वो मौलवी है, बस उसको सबसे पहले उठा के जहन्नम में डालेंगे। हाँ, और जब कोई चीज लेना होता ना, तो कहते हैं खुद को इंक्लूड कर लेते हैं, नहीं नहीं वो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का फर्क मत करो, जहन्नम में ढकेलना है तो वो फर्क हो जाएगा और बाकी जगह पर फर्क नहीं करेंगे। तो ये जो वईद है ना, ये भी हकीकत में यानी दीनी इल्म के हवाले से है कि कुरान का इल्म दिया, दीन का इल्म दिया, उसके मुताबिक अमल नहीं किया, या उसमें किसी तरह की उसने गलती की, रियाकारी की, मक्कारी की, तो बहरहाल उसको उसकी सजा मिलेगी। तो इससे मुराद भी वही है, दीन का आलिम है। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं कि जो लोग कहते हैं ना कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में फर्क नहीं करना चाहिए, ये जहां कोई नेमत उलमा को मिल रही होती ना, मौलवी लोगों को, तो उसमें खुद को शामिल करने के लिए बोल देते फर्क ना करो, लेकिन जहां सैलरी उठानी होती है, तनख्वाह उठानी होती है, लाख रुपया, दो दो लाख रुपया, एक डॉक्टर की ये फीस होगी, इंजीनियर की एक फीस होगी, वकील की फीस होगी, वहां कहेंगे कि नहीं नहीं वो फर्क है दीनी, वो तो मौलवी है, उसको क्या मिलना चाहिए? तो वहां फौरन फर्क की लकीर खींच देंगे फौरन, अरे वो तो दीन का, वो तो मौलवी है, उसको काहे को देखो भाई, और ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, इसकी हाई फीस होनी चाहिए। तो जब पैसा लेना हो, पब्लिक से पैसा वसूलना हो, है उनकी जेब खाली करना हो, तब कहो कि दीनी इल्म अलग है, दुनियावी इल्म अलग है। और जब मौलवी की बात आए, अरे वो असला फ्री में काम करते थे, दिन का पैसा नहीं लेना चाहिए, कुरान पढ़ने का पैसा नहीं लेना चाहिए, इमामत का पैसा नहीं लेना चाहिए, तदरीस करने का पैसा नहीं लेना चाहिए, अल्लाह के बंदे क्या हो गया आपने? जब पैसा लेने देने की बात आती तो फर्क कर लेते हो ना, कि मौलवी को पैसा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो दीनी इल्म उसके पास, डॉक्टर को पैसा लेना चाहिए दुनियावी इल्म, या कैसे फर्क कर दिया आपने? आप जब ये कह रहे हो कि दीनी तालीम दुनियावी तालीम में कोई फर्क नहीं है, तो जो फीस डॉक्टर की वही फीस दो ना मौलवी को, जो फीस इंजीनियर की वही फीस लगाओ उसकी, अगर कोई फर्क नहीं है तो जब लेना होगा पैसा ऐंठना होगा तो फर्क कर दोगे। तो ये दोगली पॉलिसी है, ये गलत बात है, मुनाफकत है। हाँ, कि जब जब मौलवी पर कोई मौलवी के कहीं कोई तारीफ कर दे और उसके हक में कोई फजलत की बात आ जाए, अच्छी बात आ जाए, तो कूद के आ जाओ तुम भी शामिल हो जाए, भाई फर्क मत करो हम भी आलिम है,
है, और जहां पैसा लेना है उसको छाड़ के बेचारे को साइड कर दो, नहीं नहीं ये तो दीन का है भाई, है ये तो धार्मिक आदमी है, इसको हटाओ इसको, और हम दुनियावी जो है असली तालीम याफ्ता है, हमारा स्टेटस अलग है। तो ये मुनाफकत है हकीकत में, अगर बाकी तुम फर्क मिटाना चाहते हो मिटा दो, हर जगह मिटा दो। तो ये बहरहाल मैं कहना ये चाहता कि ये जो शोशा लोग शुरू करते हैं या पेश करते हैं और ये नारा लेके चलते हैं कि दीनी तालीम दुनियावी तालीम में फर्क नहीं करना चाहिए, गलत बात है। ये हमेशा से फर्क है और फर्क रहेगा और रहना चाहिए। हाँ, ये फर्क करने का ये मतलब नहीं है, ये मकसद हमारा नहीं है फर्क करने का कि हम उनकी कोई तौहीन कर रहे हैं, हम उनके कह रहे हैं कि ये हराम है दुनियावी तालीम, नहीं, बल्कि आज के जमाने में तो हम कहते हैं कि भाई कौम को तरक्की देने के लिए, समाज को तरक्की देने के लिए बहुत जरूरी है कि आदमी डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने और हर शोबे में जाए, साइंटिस्ट बने, ताकि वो अपना भला करे, कौम का भला करे, और इस नियत से आदमी जाता है तो उसको सवाब भी मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका ये माना नहीं कि आप दीनी तालीम हासिल मत करो, आप डॉक्टर हो जो कुछ हो आप बनो, कोई कौन रोकता है, लेकिन साथ में आप ये ना समझो कि अब हमारे पास ये इल्म आ गया तो अब दीनी इल्म लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी है, कोई फर्क ही नहीं है। फर्क है भैया, आपने बड़े से बड़े आप साइंटिस्ट बन गए लेकिन आपके पास दीनी इल्म नहीं है। आप देखते हैं, अभी नाम नहीं लेना चाहते, कितने मुसलमान साइंटिस्ट हैं, कितनी बड़ी बड़ी इजादात उन्होंने क्या कुछ किया, लेकिन दीन के मामले में इतने छोटे और इतना मामूली, यानी शिर्क और ईमान का जो बुनियादी फर्क है वो करने की सलाहियत नहीं है। किसी के सामने माथा टेक दिया, कहीं किसी को जाके सजदा कर लिया, इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बावजूद भी इतनी बड़ी जहालत दीन के मामले में। तो आप साइंटिस्ट बनिए, डॉक्टर बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन साथ में आप दीनी इल्म हासिल करने का, मेरी मुराद ये नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता आप जाके मदरसे में दाखिला ले लो और जो मौलवी की डिग्री होती है एक आलिम की वो भी आप हासिल करो, ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम आप बच्चों को तो मकतब में शामिल करो, यानी जो बचपन की जिंदगी है उस जिंदगी में तो उसको कम से कम दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ, दुआएं सिखाओ, नमाज का तरीका सिखाओ, रोजे का तरीका, इतना तो कम से कम उसको सिखाओ। आज बच्चा के पैदा होते सीधा उसको स्कूल में घुसेड़ दिया, स्कूल में जाकर उसको फेंक दिया और उसको मदरसे में नहीं डालने, ना किसी हाफिज जी के पास पढ़ता है, और कहते नहीं दीनी तालीम दुनियावी तालीम का फर्क कौन बताए, कोई फर्क नहीं है, पढ़ तो रहा हमारा बच्चा, जैसे तुम्हारा बच्चा मदरसे में पढ़ा, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अरे भाई स्कूल में पढ़ रहा है असरी तालीम पढ़ रहा है, आप उसे दीनी तालीम दो, आप उसे कुरान पढ़ाओ, आप उसे तजवीद पढ़ाओ, आप उसे दुआएं सिखाओ, आप उसे नमाज रोजे का तरीका बताओ, आप उसे अकीदा सिखाओ, आप उसे सुन्नत सिखाओ, आप उसे बिदात से बचने का शिर्क का फर्क बताओ। तो ये मेरे भाइयों बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, हम ही नहीं कहते दुनियावी तालीम मत दो, दो दुनियावी तालीम जो करना है करो, लेकिन दीनी तालीम भी साथ में होना चाहिए। अगर दीनी तालीम के साथ कोई और तालीम नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन दीनी तालीम नहीं है तो नहीं चलने वाला मसला है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकअल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।